सेव सेव किया किया था था ना मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने मुझे कॉल दैट्स इट इट बट तो फॉर समवन एल्स जिंदगी में सेव करना जरूरी है मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली नमस्कार द प्रिंट में आपका स्वागत है मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर लेकर आए हैं हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ आज के एपिसोड के लिए भी आपने हमें अपने ढेर सारे क्वेश्चन भेजे आज पिछले हफ्ते का मेन मुद्दा जो रहा है वो कर्नाटका चुनाव रहा है और उसके साथ साथ पाकिस्तान में चल रही उथल पुथल भी रहा है और इससे जुड़े आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे और आज के एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे चलिए शुरुआत करें शेखर बहुत दिलचस्प दिन है आज हालांकि हम शनिवार को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सैटरडे को लेकिन कर्नाटक की काउंटिंग हो रही है जी। और कुछ वहां के नतीजे भी ज्यादा मैं कहूंगा ड्रामेटिक आए हैं तो आज बहुत कुछ बात करने के लिए हमारे पास लेकिन हमें पता है कि आप बहुत आपके पास देखने के लिए बहुत कुछ है और आप थोड़ा सा आ, मुझे लगता है कि बदहजमी भी हो गई होगी <laughs> इतना टीवी देख देख के तो हम थोड़ा छोटा रखेंगे अपनी तरफ से संक्षिप्त रखेंगे और हमें लगता है कि आपको पसंद आएगा चलिए शेखर सबसे पहला सवाल कर्नाटका चुनाव से ही जुड़ा हुआ लूंगी आदित्य जो कि हमारे मेंबर है पूछ रहे हैं कि कर्नाटका चुनाव के नतीजों का 2023 के आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों पर कांग्रेस भाजपा और सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट माइनस बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए किस तरह का प्रभाव पड़ेगा देखिए आपने बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछा <laughs> है अब पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा जो इसमें सबक है इस चुनाव में वो ये है कि भारत का जो वोटर है अब राज्य के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में बिल्कुल साफ एक फर्क रखता है अगर आप देखें जो तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ कर्नाटका में कर्नाटका में 224 सीटें हैं मतलब असेंबली सेगमेंट जो सेगमेंट जो है जो विधानसभा क्षेत्र हैं 224 हैं उसमें से 170 में बीजेपी जीती थी 2019 में आज आप देखिए तब 170 बीजेपी जीती थी और कांग्रेस और जेडीएस साथ साथ थे प्री था उसके बावजूद दोनों सिर्फ सैतालीस सेगमेंट्स आए थे छत्तीस कांग्रेस के और ग्यारह जेडीएस के आज अगर आप देखें तो कांग्रेस और जेडीएस हालांकि उनका अलायंस नहीं है गठबंधन नहीं है एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं उसके बावजूद दोनों के मिला के करीब करीब 170 हो गए तो ये एकदम पासा बिल्कुल कैसे पलटा इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी इस समय अचानक अलोकप्रिय हो गए शायद अ, जब लोकसभा चुनाव होगा तो इससे उसका अलग नतीजा आएगा पर ये साफ है कि जो वोटर अब है भारत का बहुत मेच्योर हो गया है बहुत परिपक्व हो गया है उसको पता है मैं किसके लिए वोट कर रहा हूं या कर रही हूं उसी के हिसाब से वोट दिया जाता है और उसी के हिसाब से वोट दिया तो ये सोचना कि इसका एकदम डायरेक्ट असर होगा दो uh, हजार में ये uh, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार अब कैसे काम करती है लेकिन एक बात जरूर है कि आपकी सरकार होती है आपको रिसोर्सेज आते हैं तो और वो जो कॉर्पोरेट्स आपको इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स में पहले पैसे नहीं देते पहले सिर्फ पाँच प्रतिशत आपको देते हैं शायद पाँच से आठ प्रतिशत हो जाए दस प्रतिशत हो जाए फिर दूसरा ये है कि आपका मुराल बढ़ता है आपकी पार्टी के वर्कर्स का मुराल बढ़ता है लेकिन इसका असर इस साल जो बाकी राज्यों में चुनाव होने उन पर पड़ेगा ज़्यादा जैसे कि देखें कि तेलंगाना पर क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी पहले से मजबूत हो रही है और लग रहा है कि कांग्रेस की जगह वो दूसरी पार्टी बन के ले लेगी और केसीआर के लिए उनकी जो पार्टी है टीआरएस या बीआरएस जो भी कहें उसके लिए बड़ी चुनौती बन के उभरेगी लेकिन इससे अब के को भी उनकी पार्टी को भी एक हिम्मत आएगी वहाँ कांग्रेस को भी हिम्मत आएगी और अब देखने की बात है कि वहाँ पर कुछ अलायसेस होते हैं कि नहीं क्योंकि एक बार और चार बड़े राज्यों के चुनाव आने वाले हैं राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना जी। और फिर राष्ट्रीय चुनाव आने वाले हैं तो उस समय में अचानक ये लगना कि हाँ ये मोदी शाह की बीजेपी भी जो है ये भी बीटेबल है ये एक बड़ी बात है लेकिन ये सोचना कि ये बिल्कुल रेप्लिकेट करेगा दो में वो इतनी जल्दी छलांग बदमारी है किसी भी हालत में भारत की राजनीति पेचीदा नहीं है भारत की राजनीति बहुत सीधी है okay. वोटर कहता है कि देखिए मुझे पता है कि मैं मुख्यमंत्री चुन रहा हूँ या मैं प्रधानमंत्री चुन रहा हूँ hmm. और अगर एक साथ भी चुनाव करेंगे उसको दो बैलेट पेपर जैसे होते थे पहले या दो, दो मशीनें होंगी तो वो एक में एक बात सोच के करेगा एक बार एक में एक बार एक बात सोच के पिछली बार हमने ओडिशा में यही देखा था ओडिशा hmm. में राज्य के चुनाव भी साथ साथ थे और हमने देखा कि पार्लियामेंट में लोकसभा में बीजेपी को काफी सीटें मिली हालांकि आदि के आसपास लेकिन राज्य में उनको बहुत कम मिली तो वहां वोटर ने जब एक साथ वोट देने भी गया वोटर गई तो उन्होंने तब भी फैसला किया था कर्नाटका हमें वही बात बता रहा है शिखर अगला सवाल भी कर्नाटका से जुड़ा हुआ है लूंगी आशुतोष बग्गा पूछ रहे हैं कि कुछ महीने पहले तक हमने कर्नाटका में आपकी तरफ से काफी एक्टिविटी देखी बैंगलोर उडुपी और शायद अन्य जगहों पर भी पोस्टर लगे थे मैंने आप नेता संजय सिंह को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर आते हुए भी देखा वो बोल रहे हैं कुछ दर्जन पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की लेकिन जैसे जैसे हम चुनाव के करीब आते गए पोस्टर ऑटो तो विज्ञापन गायब होते गए क्या ये आप द्वारा कांग्रेस बनाम भाजपा लड़ाई के बीच हस्तक्षेप नहीं करने के लिए एक सोची समझी चाल थी कि शायद कांग्रेस को जगह देकर भाजपा को एक मजबूत विपक्ष प्रदान करें देखिए अभी अभी आप आपकी इतनी औकात नहीं है कर्नाटका में कि उसके पास कोई स्पेस हो जो किसी दूसरी पार्टी को दे सके और यह भी साफ है कि आप कांग्रेस की प्रतिद्वंद्वी है या कांग्रेस आपकी प्रतिद्वंद्वी है उन राज्यों में जहां आपको सीटें मिलने के आसार हैं जैसे दिल्ली है पंजाब है गुजरात में भी कांग्रेस और आपका मुकाबला था सेकंड पोजीशन के लिए सेकंड थर्ड के लिए बीजेपी के साथ नहीं था तो मैं नहीं समझता कि ये कारण है कि आप वहां फिर बाद में नहीं आई आप भी एक यथार्थवादी पार्टी है रियलिस्टिक पार्टी है रिसोर्सिस आपके पास सीमित होते हैं तो आप कहाँ खर्च करेंगे कहाँ लोग लगाएंगे ये एक ब्रांड बिल्डिंग है हुँ. कि हर राज्य में जहाँ चुनाव हो रहा है आप अपनी पार्टी का झंडा वहां ले जाएं थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें थोड़े आपके नेता जाके वहां बोले तो आपकी ये ब्रांड बिल्डिंग शुरू हो जाती है तो आम आदमी पार्टी भी लंबी रेस का घोड़ा है वो एकदम नहीं करती अब देखिए उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनकी एकाधी कोई सीट आई है जैसे वो कौशाम्बी में दिल्ली के आसपास तो इसका मतलब जो दिल्ली का उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस है थोड़ा उस तरफ ये नहीं उसका ये नहीं कहना का मतलब है कि अगली बार उनकी यूपी में पाँच सीटें लोकसभा में आ जाएंगी या उनकी यूपी की विधानसभा में तीस सीटें आ जाएंगी लेकिन धीरे धीरे उनके पास समय है वो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं और ये ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होंगे ज़रूर कर्नाटका में शिखर अगला सवाल पाकिस्तान से जुड़ा लूंगी संकल्प जो कि हमारे मेंबर है पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय एक परफेक्ट परफेक्ट स्टॉम में फंस गया है और इसका अस्तित्व दाव पर है और वो बोल रहे हैं लाइक इट और नॉट अतीत की कई भूलों के बावजूद इस बार इराटिक खान को सत्ता से दूर रखने में सेना सही हो सकती है अब वो बोल रहे हैं भारत ने कई सालों से पाकिस्तान को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया है लेकिन लेफ्ट से एक टिप्पणी आ रही है कि एक विफल पाकिस्तान भारत की दुखती रग बन सकता है और कुछ ने शरणार्थी ही संकट की चेतावनी भी दी है क्या ऐसी चेतावनियों में थोड़ी भी सच्चाई है ऐसा लगता है कि सेना की जीत होगी वो बोल रहे नजम सेठी भी इस पर कायम है और पीटीआई पाकिस्तान सेना के भीतर अपनी पहुंच बढ़ा चढ़ा के बता रही है देखिए पाकिस्तान में जो हो रहा है ये एक बहुत बड़ा एक उथल पुथल है लेकिन ये कहना कि अभी अचानक कुछ हो गया इसको कहते हैं ना कि अप्रत्याशित है अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में कुछ unprecedented नहीं होता जी। पाकिस्तान में जो आज हुआ है वो पहले हो चुका है आ, कभी पांच चीजें एक साथ होती हैं कभी सात चीजें एक साथ होती हैं लेकिन नया कुछ नहीं हो रहा है जो नई बात है पाकिस्तान में वो ये है और ये मैं कहूंगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के उन्नीस मतलब बांग्लादेश वॉर पाकिस्तान के हारने के बाद के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में एक ऐसा नेता है जो इतना लोकप्रिय है आम जनता में कि वो फौज के सामने भी खड़ा हो सकता है फौज का मुकाबला मुकाबला भी कर सकता है और फौज को चुनौती दे सकता है तो ये इस समय इमरान खान फौज को चुनौती दे रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की सेना इस समय बहुत कमजोर है अपनी अंदरूनी राजनीति में कमजोर है उसकी बात कर रहा हूं मैं और देशों के मुकाबले भी अंदरूनी राजनीति में कमजोर है लेकिन इतनी कमजोर नहीं है जितनी की उन्नीस में थी भारत से लड़ाई हारने के बाद अब ये बातें जी कोर कमांडरों में आपस में मतभेद है दोनों छोड़ दिया चंडू खाना भी एक पाकिस्तान में हमेशा रहता है चंडू खाना आप जानते हैं ना ओपीएम डेट बोलते हैं उसको तो जहां लोग बैठे हैं पर लगा रहे हैं सुटा और जो मर्जी बोल रहे हैं तो ये गॉसिप चलती है लेकिन अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी में कोई टूट फूट होने वाली है आमतौर पर पाकिस्तान में ये तूफान चले जाते हैं और आर्मी फाइनली जीतती है वो देखिए कैसीनो का एक प्रिंसिपल कहते हैं जो जुआ घर होता है ना कैसीनो कि आपके पास कैसे भी पत्ते हों आपके पास कितने भी पैसे हों दाग पे लगाने के लिए आपके पास कितने भी है जुआ खेलने के लिए हाउस ऑलवेज विन कि जो कसिनो चलाता है जो जुआ घर चलाता है जुआ घर हमेशा जीतता है तो पाकिस्तान में वो जो हाउस है और जो कसिनो है वो फौज है तो फौज को यही सोचा जाता है कि वो हमेशा जीतते हैं आखिरी बार हमने फौज को जब भारतीय देखा था वो भुट्टो के सामने उन्नीस सौ बहत्तर तिहत्तर उस समय था लेकिन फिर भी अब देखिए पांच छह साल में फौज वापस आ गई क्योंकि वही जिया जिनको उन्होंने बनाया था आर्मी चीफ ये सोच के कि बड़े कमजोर आदमी है जिसकी कोई सपोर्ट नहीं है उसी ने उनको पहले नौकरी से निकाला फिर जेल में डाला फिर फांसी पर चढ़ाया तो आर्मी पाकिस्तान की एक स्टेबिलिटी भी है इस समय पाकिस्तान की जो जिसको आप परफेक्ट स्टॉर्म कह रहे हैं उसमें एक चीज जो स्टॉर्म को परफेक्ट बनाती है वो ये है कि जो पाकिस्तान की आर्मी जो हमेशा उसके लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स रही है वो इस समय अं, आंतरिक राजनीति में पहले से बहुत कमज़ोर है क्योंकि जनता जनार्दन वहाँ की बाय एंड लार्ज आर्मी से खफा है क्योंकि वो सोच सोच रही है कि देखिए अगर जमहूरियत है अगर डेमोक्रेसी है तो चुनाव कराइए जो जीतेगा वही सिकंदर और सिकंदर इस केस में इमरान खान ही होंगे नहीं लेकिन आ, आर्मी नहीं चाहते कि इमरान खान और इम मैंने आर्टिकल भी लिखा है इसका नेशनल इंटरेस्ट अपूर्वा आपसे तो शेयर करेंगी उसका वीडियो भी शेयर करेंगी अंग्रेजी में है आप सबको अंग्रेजी आती है मुझे पता है आप सबकी अंग्रेजी मेरी हिंदी से बेहतर है तो, आ, तो उसमें हमने यही कहा है कि देखिए पाकिस्तान की फौज कभी इतनी कमजोर नहीं रही और हमेशा पाकिस्तान को ये एक ढाढ़स था कि अरे सब कुछ गड़बड़ हो जाए फौज तो है ही ना संभालने के लिए लेकिन आज वो स्थिति बदल गई है अगला सवाल इनक्रेडिबल प्लेसेस का आ रहा है जो कि हमारे मेंबर है पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है आपको क्या लगता है कि इसका क्या अंत होगा क्या ये इमरान खान की असासीनेशन के साथ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उन्हें जेल भेजना संभव नहीं हो पाया है अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बहुत कि बुरे सिविल वॉर में बदल सकता है क्योंकि आप पाकिस्तान के विशेषज्ञ हैं स्थिति पर आपके विचार क्या है देखिए मैं आ, मैं किसी का अपने आप को विशेषज्ञ नहीं मानता मैं बहुत बार पाकिस्तान गया हूं जरूर आ, आ, एक रिपोर्टर के तौर पर आ, और 1993 के बीच में उसके बाद भी कुछ बार गया कभी कुछ बोलने गया फिर एक बार मैं पाकिस्तान इलेक्शन जो 2013 का हुआ उसमें गया 2014 में लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में गया मेरे मित्र हैं वहां पे लेकिन मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ता बहुत हूँ लगातार पढ़ता हूँ और लगातार देखता हूँ वहां से जो कुछ रहा है मीडिया में डिबेट में तो इस सब को देख के लगता है कि देखिए पाकिस्तान में इस समय बहुत रोष है क्योंकि जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनको सत्ता के पास नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि जो सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे ताकतवर फोर्स जो कि सेना है उनके बीच में एक टसल है जी। और सबसे ताकतवर फोर्स जो है सेना वो नहीं चाहती अभी कि इमरान खान सत्ता में आए क्योंकि इमरान खान ने एक ऐसी एक ऐसी गुस्ताखी करी है जो पाकिस्तान में कोई चुनाव हुआ या पॉपुलर नेता या आ, या डेमोक्रेटिक नेता नहीं करता है कि उसने फौज के ऊपर लाछन लगाए हैं फौज के जनरल को कहा कि मुझे मरवाने की कोशिश की वो भी आएस आई नंबर टू और आईएसआई के नंबर टू भी वो जो आईएसआई का पॉलिटिकल सेक्शन संभालते हैं मेजर जनरल आईएसआई के दस मेजर जनरल हैं एक तो लेफ्टिनेंट जनरल हेड है, हैं उसके अलावा दस मेजर जनरल हैं एक रियर एडमिरल है नेवी के उसी उसी रैंक के होते हैं और जो रियर एडमिरल नेवी के हैं ना वो रियर एडमिरल है वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल मीडिया है तो आई में डिप्टी दे, डायरेक्टर जनरल मीडिया क्या कर रहा है वो आप सोच लीजिए खैर वो अलग अलग बात है लेकिन ये डीडीजी जो हैं पॉलिटिकल इसको काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं लेकिन पॉलिटिकल ही होता है वही उठा पटक करते हैं वहाँ राजनीति में उनका नाम लेके बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि इन्होंने दो बार मुझे मारने की कोशिश की उनको डर्टी हैरी कह रहे हैं उनको कह रहे हैं कि तुम्हारा गैंग है तो ये फौज के लिए बहुत बड़ी बात है उसके बाद ये कि फ़ौज के जी में जाके उन्होंने उस दिन हल्ला बोल दिया कोर कमांडर्स के घरों में जाके हल्ला बोल दिया दंगा कर दिया तो इससे फौज का बहुत लॉस ऑफ फेस है पूर्वा पाकिस्तान की तो बात है लेकिन अभी हम बिल्कुल कर्नाटका की बात कर रहे हैं तो एक दो बात जो पहले कर्नाटक का पे क्वेश्चन आए थे सवाल आए थे उसमें एक दो चीजें और ऐड करना चाहता हूँ कर्नाटका से एक और बात मालूम हो गई है जो पहले से कई बार आई है सामने लेकिन बीजेपी के लोग मानते नहीं है कि नरेंद्र मोदी जब अपने लिए चुनाव लड़ते हैं जब अपने लिए वोट मांगते हैं तो जिसको हम कहते हैं लैंप पोस्ट इलेक्शन लैम्प पोस्ट इलेक्शन क्या होता है कि मैंने ये लाइट का खंबा लगा दिया बिजली का खंबा इस पे बत्ती लटकी होती है ये मेरा उम्मीदवार है मेरा कैंडिडेट है इसको वोट दो क्योंकि मेरा उम्मीदवार है तो जब उनका अपना इलेक्शन होता है तब वो लैम पोस्ट इलेक्शन कर सकते हैं लेकिन जब किसी और राज्य में और जब वो खुद अपने आप टिकट पे ना हो तब उनके लिए असंभव है और इसमें आप कहेंगे कि नहीं लेकिन वो तो गुजरात जीते गुजरात इसलिए जीतते हैं क्योंकि गुजरात में वो खुद टिकट पे होते हैं क्योंकि वो उनके बारे में होता है या जैसे यूपी असम जीत गए यूपी और असम में अपने नेता बढ़ गए योगी आदित्यनाथ हिमंत बिस्व शर्मा वो दोनों नेता अपनी तरह के अपने राइट में बन गए लेकिन जहां बीजेपी के अपने नेता नहीं बने जहां वो कैंपेन करके वोट नहीं ले पाते जैसे कि अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा बासवराज बोमाई का लेकिन उसके पहले भी आप देख लें किसी भी राज्य में जो बीजेपी ने अपॉइंटमेंट करी दिल्ली से चीफ मिनिस्टर्स की और ये सोचा कि मोदी जी हमें राज्य जिता देंगे कोई भी राज्य वो नहीं जिता पाए हैं एक मैं कहूँगा कि

टू फ्रंट वॉर सिचुएशंस के बारे में बात की थी जैसा कि आपने कहा चीन और पाकिस्तान को लेकर वास्तविक दो मोर्चों पर युद्ध सौभाग्य से नहीं हुआ है अब तक लेकिन 1971 के युद्ध तक कैसा था जहां हमें दो मोर्चों पर पाकिस्तान का सामना करना पड़ा क्या नाइनटीन सेवनटी के पूर्व के युद्ध ज्यादातर भारत और वेस्ट पाकिस्तान के युद्ध थे वो बोल रहे हैं ज़्यादातर जब नई पीढ़ी है वो बोल रहे हैं कि मेरे सहित जो सेवेंटीज़ के किड हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में सुनते हैं तो हम वेस्ट पाकिस्तान के वेस्टर्न और नॉर्थ इंडियन शहरों और सीमाओं पर सीधा हमला करने के बारे में सोचते हैं क्या आप हम जैसे लोग जो नाइनटीन के बाद पैदा हुए थे उनके लिए बता सकते हैं कि उस समय कैसा होता था देखिए उन्नीस की जो लड़ाई थी भारत पाकिस्तान की वो प्योरली वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर में थी वो okay, कश्मीर में पंजाब में कुछ राजस्थान में थी गुजरात में थोड़ा बहुत जैसे कच्छ की तरफ थोड़ा बहुत था पर ज्यादा नहीं था लेकिन जो ईस्टर्न सेक्टर था जो ईस्ट पाकिस्तान और हमारा जो ईस्टर्न कमांड का एरिया था वो बिल्कुल ग्राउंड पे शांत था एयर में कुछ हुआ था एयर अच्छा। में पाकिस्तान के काफी जहाजों ने आके कलाईकुंडा बैरकपुर बागडोगरा हमारी जो एयर बेसिस थी इनके ऊपर बॉम्बिंग करी थी और दो दो दिन उन्होंने काफी सफल बॉम्बिंग करी थी लेकिन उसके बाद कलाई कुंडा के ऊपर उनके मेरे खेल तीन जहाज गिरा दिए गए उसके बाद से उन्होंने भी अटैक करना बंद कर दिया वहां पे और ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ वहां पे कॉम्बैट सिर्फ इतना ही हुआ था तो ये एक सेक्टर का रहा फिर इकहत्तर में तो लड़ाई दोनों सेक्टर में हुई लेकिन जो पूर्वी सेक्टर में ईस्टर्न सेक्टर में तो डिसाइसिव थी वहां तो फटाफट तेरह दिन के अंदर सरेंडर हो गया वो खत्म हो गया टू फ्रंट वॉर भारत की जो पहले थी वो एक बार 71 में ही हुई लेकिन वो पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट था तो हम, हमारी सेना दो जगह थी उनकी भी दो जगह थी, जगह थी उनकी बड़ी समस्या ये थी कि उनके दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस था जी। और उनको भारत ने ओवर फ्लाइट बहुत दिनों से पहले से ही बंद कर दी थी तो उनका जो हवाई जहाज भी जाते थे वो घूम के कई बार कोलंबो में रिफ्यूल करके फिर वो इस पाकिस्तान में जाते थे तो वो एक अलग तरह की लड़ाई थी लेकिन हम जब टू फ्रंट वॉर कहते हैं भारत में तो हम चाइना और पाकिस्तान का टू फ्रंट गिनते हैं तो सन पैंसठ की लड़ाई में तब भी पाकिस्तान और चीन बहुत नजदीक दोस्त बन गए थे चीन ने कुछ गड़बड़ नहीं करी लेकिन नहीं। चीन ने शोर शराबा शुरू कर दिया था और कहा एक अल्टीमेटम दिया इंडिया को और अल्टीमेटम ये दिया कि हमारी तुमने इतनी भेड़ें चोरी कर ली हैं और इतने याक चोरी कर लिए हैं पर या तो इस तारीख तक वापस कर दो नहीं।, नहीं तो हम हमला कर दिए कुछ करेंगे हम नहीं तो देखा जाएगा तो वो एक कहने का तरीका था कि आप लड़ाई बंद कर दो पाकिस्तान के हाथ से क्योंकि पाकिस्तान के हक में वो लड़ाई जा नहीं रही थी नहीं। वो लड़ाई शुरू तो पाकिस्तान ने की थी शुरू करके पाकिस्तान फंस गया था जिसको कहते हैं साफ चुंदर वाली बात ना छोड़ने को आए ना लड़ने को ना खाने को आए तो पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने ये शोर मचाया तो उस समय लोगों के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी होती थी तो एक दिल्ली में नेता, नेता थे कांग्रेस पार्टी के जहाँ तक मुझे याद है शशि भूषण जी उनका नाम था तो शशि भूषण जी ने कुछ भेड़े इकट्ठी करी और कुछ भैंसे इकट्ठे किए ये तो दिल्ली में नहीं मिलते कुछ भैंसे इकट्ठे किए और उन सबको लेके चाइनीज एम्बेसी के सामने पहुंच गए और उनसे कहा कि देखिए आपने कहा है कि आपकी कुछ झगड़ा है कोई भेड़ों के ऊपर और के ऊपर तो ये ले लीजिए लड़ाई क्यों करते हैं हमारे साथ में एक ह्यूमर थी आज का जमाना होता तो टीवी चैनल्स बड़े मजे लेती उसके साथ और बहुत टी भी उसकी मिलती तो अभी तक किसी लड़ाई में चीन ऐसे खुल के नहीं आया है और अभी भी लगता नहीं है आसान है कि दोनों खुल के आएंगे लेकिन ये कहना आसान है कि लगता नहीं कि दो फ्रंट पर लड़ाई होगी लेकिन आप इंश्योर कैसे करेंगे कि दो फ्रंट पर लड़ाई नहीं हो उसकी उसको इंश्योर करने का यही तरीका है कि आप दो फ्रंट्स पे हमेशा तैयार रहे और वही भारत की चुनौती है इसमें बहुत खर्चा भी है और इसमें आपकी फौजें भी बहुत आउट रहती वो ही इंडिया की टू फ्रंट सिचुएशन है और वही इंडिया की टू फ्रंट चैलेंज है चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सबका